पुलिस का जो है नंगा नाथ, हाँ शायद किशन देखा होगा सड़क पे घेर दिया, सड़क पे घेरा, मारा पीटी गिरी, फोन खोज लिया, जाम लग गया चलती गाड़ी में से पुलिस वालों ने धक्का देकर फेंक दिया और गाड़ी भगा के लेके जिस तरह चोर भाग गया करा भाई साहब, ये पकड़े पकड़ इस तरह भागे, कोई ना घबराना नहीं है, ये बात होगी आपका प्यार है सहयोग है सिंगम तो यह है मना ना नौकरी प्यारी ना जान प्यारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा जब तक जान है, तो है सब बेटा गर्व है मना तो इस पानीपत की धरती पर, और इन लोगों का प्यार आप जैसा आप इतना लगाओ प्यार जो भ्रष्टाचार के दुष्टाई के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं, हम क्यों डरेंगे फिर, कोई भय नहीं हमने, जब आपका प्यार है इसे देशवासियों का प्यार है सारा देश जो है इसके प्यार में जो है खड़ा हाथ है, और जरूर थे ना तो अगली पीढ़ी दिखा रहे हमने भाई एक ईमानदार आदमी के जिसने आवाज उठाई भ्रष्टाचार के, अरे उसको साथ नहीं देगा तो अगली आने वाली पीढ़ी दिखा रहे देने ला रही है, इतने आदमी आ रहे हैं कोई रुपये देके थोड़ी ला रखे हैं, ये प्यार मारे हैं, ये प्यार में इतारे हैं उसके में सारे, तो भाजपा सरकार बोलती है राम राज लाखों हजारों करोड़ रुपये जो है राम राम के नाम पर कर रहा है भाजपा सरकार, राम राज लाऊंगे, ये राम राज ला दिया पानीपत की धरती पर देख लो, आज दाप ने भी नहीं मिलने दे रहे, नहीं मिलने दे, ताला ला रखा पुलिस वाले खड़े आग ले कर मारपीट, एक घंटा में चिट्ठी रोड पर तड़पता रहा, पीछे से यू भाई था, हाँ जी मैं बैठा जी, मैंने तो पता भी नहीं हुआ कुर्सी जगह थी वह, तो इसने देखा तो सिंगम का पिताजी है, इन्हें पानी प्या गला सूख गया, उठन की मत नहीं, कोई पता ही नहीं कि कुछ हो गया तेरे साथ है। तो फिर ये बेटा आ गया पीछे से गाड़ी लेकर, तो जब यह गाड़ी में गिर कर लाए जी मैंने, अरे यह ताला लगाया बैठे ना, तेना भगत सिंह जाम रखा क्यों टेंशन ले, ठीक है ना, कोई घबराने की जरूरत ना है, घबराया नहीं करा है, ये तो जो लड़ेगा ना इन सिस्टम के खिलाफ उसने ये तो परेशानी झेलनी पड़ेगी, इनको तो फांसी की सजा हो जब राम राजा होगा जी, अगर सारे देश में ये जो मैसेज चला था वह जो गलत कर्मचारी है या अधिकारी है वो जो गलत कर रहे थे उनको ये सजा मिले, जब सुधार होगा जब देश का जो है राम राजा होगा जी, ना तो कद और रावण राज है आज जो इन करके दिखा दिया, नवीन जी क्या सूचना मिली थी, एक बार बूझ लेंगे ना, जानते हैं जी बूझ लिया जी, एक चार बंदे बोले थे, चार बंदे चार, एक सेकंड हां अब जाके एक बार पूछा था क्यों नहीं मिलने दे रहे, हमने कहा भी मिलने का तो अधिकार है ना, वकील को भी नहीं जाने दिया, जेपी ने भी नहीं जाने दिया, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, रास्ता बंद है, रास्ता बंद किया हुआ है, कुछ मीडिया वाले भी इधर, देखो एक मैं एक चीज आपको बताऊं, इनको जिन धाराओं में पकड़ रखा है ना, एक मिनट बाकी है सेक्शन, ये प्रशासन अड़ा होगा, सीआईडी होगा, अफसर होंगे वो भी सुन ले, सेक्शन 41A के तहत ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, सेक्शन 41A के तहत किसी को नहीं अरेस्ट कर सकते ऐसे, उसको नोटिस देना होता है 41 का, कहीं कोर्ट मार्ट थाने में भी लिख रखा होगा, वो ऐसे अरेस्ट ही नहीं कर सकते, ये इनका अरेस्ट करना ही गैर कानूनी है, पहली बात तो लीगल, सुप्रीम कोर्ट अरनेश कुमार का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो पिता के साथ व्यवहार हुआ रास्ते में, सुनो पहले मैं यही कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो, कि पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग इसको अरेस्ट कर नहीं, आगे हाँ बात करो, हाँ बताओ खड़े हो जो फिलहाल आप देख सकते हैं, सेक्टर 13-17 से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, नवीन जय हिंद आशीष के समर्थन में पहुंचे हैं और अंदर जाएंगे मिलने की कोशिश जो है करेंगे आशीष से, और ये वीडियो वॉइस ऑफ पानीपत पर आप देख रहे हैं, ये झड़प हुई है,
झड़प हो रही है ये नवीन जय हिंद के साथ, उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये नवीन जैन के साथ झड़प हुई है, उसे अंदर नहीं आने दिया जा रहा। मौके पर SHO जो है 13-17 पहुंचे हैं और बातचीत कर रहे हैं। देखो आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हो, जिस बात का जवाब लेना मेरे से लो, मैं देऊंगा। मेरी बात सुनो, फादर साहब को मिलवा दूंगा। देखो मेरी अब ये व्यवस्था देखो ना, तो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने वाली छोड़ दो, ठीक है? आप इनके सर इनके फादर साहब को साथ बैठा और बात सुनो। बाकी पीछे चलो भाई, एक सेकंड इनके फादर साहब को मिलवा दूंगे, इनके ठीक, कोई बात नहीं, उनको भी मिलवा देंगे। और एक चीज बिल्कुल अपने उसमें रखो ना, तो कोई भी काम ऐसा किया गया जो कानून के विधान से बाहर का हो, ठीक है? एक एक चीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है और प्रॉपर तरीके से हुआ। हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर तो सबको विश्वास है भाई, सबको विश्वास है न्यायपालिका पर तो, और न्यायपालिका के सम्मुख हम जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं ना। एक मिनट सुनो भाई, भाई हिंदुस्तान जो भी बात है न्यायपालिका के सम्मुख होगी, आप लोगों के पास भी पूरा है, आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखें। पुलिस ने जो पक्ष रखना अपना देखा, बाकी न्यायपालिका का विषय है सारा। अभी कर रहे एक मिनट, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब देखो सुनो जी जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रमेश कुमार का, तो Section 41A के तहत ऐसे तो मेरे ख्याल में अरेस्ट नहीं होती। अब आपकी बताता हूँ, जो Section 41A है उसमें भी आपको अपराधों की श्रेणी देखनी होती है कि अवेलेबल ऑफ है या नॉन अवेलेबल, 7 साल से नीचे वाला भाई मैं लागू होता है भाई। मैं बताता हूँ आपको, 7 साल से नीचे वाली बात है, इसमें जो अपराध नॉन अवेलेबल होता है और जहाँ पुलिस के पास Section 41A में पॉइंट भी दे रखे हैं, जहाँ में ये लगता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भंग हो सकती है या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसके आम जन को हानि हो सकती है, तो पुलिस अपने प्रिविलेज को अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करती है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब इससे क्या मैं पेशे, मैं नवीन जी मैं खुद पेशे से एडवोकेट रहा हूँ, LLB LLM हूँ, मेरे को कानून का ज्ञान है। और बात सुनो, मेरे लिए चाहे आशीष हो या एक आमजन हो, यहाँ पर भट्ठे के मजदूर को भी वो न्याय मिलेगा या किसी हेलीकॉप्टर वाले को, आप इस चीज से निश्चिंत रहे। मैं आपको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को जवाब चाहिए तो जवाब लेने का तरीका ये होता है, आप अपने जनप्रतिनिधि आपका जो विशेष प्रतिनिधि आप उसको रखते, माननीय पुलिस अधीक्षक से लेके हमारे PRO से लेके मैं उस चीज का जवाब देता। लेकिन इस तरह से अगर आप संख्या बल के आधार पर जवाब नहीं देते, जो जरूरी चीज है 12 बजे उनका एडवोकेट भाई, मैं डायरेक्ट चंडीगढ़ से विजिलेंस इंक्वायरी में सीधा यहीं आया, ठीक है? अपना मैंने अपना कार्य भार संभाल लिया है, ठीक है? जो भी आपकी ग्रीवेंस मेरे को लगता है कि कानून के दायरे में रह के मैं उनको पूरी कर सकता हूँ 101% करूंगा, और जो भी पक्ष रखना है मैं भी न्यायपालिका के सम्मुख रखूंगा और आप भी न्यायपालिका। आप इनके फादर को कोई बात नवीन भाई आप भी जाओ, कोई नहीं मिलवा। पिता के साथ जो सुबह हुआ सलूक जो उन्होंने बताया, पूरा शहर इस मामले में नाखुश है
कि पुलिस की एक कार्रवाई करो अपने शहर अपने शहर की आबादी 15 लाख की आबादी आप देखो संख्या देखो इसके लिए आपने यह तो बताना तो पड़ेगा जो असली दोषी है उस पे क्या कार्रवाई हुई मैं देखो मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ ये बात तो बता रहा हूँ मैं तो बता रहा ना मैं अपना पक्ष न्यायपालिका के सम्मुख रखूंगा अगर मैं गलत हूँ न्यायपालिका हमारे खिलाफ भी एक्शन लेगी न्यायपालिका के समक्ष उसको भी तो पकड़वा चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ ये बताओ आप ये समय और ये तरीका आपका जवाब लेना उचित है मैंने उसकी सुरक्षा भी देखी नहीं फिर इसका नहीं आप अकेला नहीं मिलो एक अपने आप अपने नवीन भाई जाएंगे नवीन भाई जाएंगे नहीं नहीं बाबा आप नवीन भाई के साथ जाओ नवीन भाई के साथ जाओ ये एक बंदा जा रहा 500 बंदे की बात है चलो आदमी ये चारों खड़े हैं नवीन भाई आओ चलो चलो तो ये इतना हंगामा होने के बाद आशीष के फादर को अंदर मिलने की इजाजत जो है वो दे दी गई है और आपको बता दें कि काफ़ी समय से ये हंगामा जो है चल रहा है और नवीन जय हिंद समर्थन में पहुंचे आशीष के चलो विश्वास खत्म हो गया है आना कोई नहीं ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों से विश्वास उठ गया है जनता का जनता का विश्वास उठ गया है आप भी चलो इसके साथ ले जाओ मेरी कोई बात नहीं मेरी कोई बात नहीं मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल मेरा बेटा नहीं है यो सारे शहर का बेटा है यो सारे पानी हमारा दुश्मन है का बेटा कोई कुछ का दुश्मन है दुश्मन हो एक बराबर बंदा क्या करता है हमारा कोर्ट का टाइम जाओ एक बजे आओ आप एक बार रुको आप ना आप एक बजे आओ जब तक आपका कदम भी नहीं होया आप अकेले गए तो ठीक होगा जाओ 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 दो बंदे जाओ भाई साहब ये थोड़े से डरे हुए हैं जैसे सुबह इनके साथ हुआ है ना छोड़ दिया आपके साथ आपके ऊपर छोड़ दिया है मेरा बेटा नहीं है मेरा बेटा नहीं है ये शहर का बेटा है आप जाओ जरूरी है चलो बाबा जाओ कोई बात नहीं हम डाकू नहीं है जी आपका मैं तो आपको ये पूछना चाहेंगे जिसके ऊपर कार्रवाई हो जाएंगे तो हो जाएंगे दादा छोड़ो फिर रैन तो ना मिलो फिर एक बार मिल जाओ रहने दे रहने दो भाई साहब रहने दो नवीन जी नहीं मिलना नहीं मिलना छोड़ो फिर बाबा पुलिस की बात ही सुनने टायर चढ़ा दियो भाई बताने लग रहे वो जी पाई ना बच गया टायर टायर चढ़ा दियो राम राज आ गया जी राम राज जिंदाबाद मैं अपना पक्ष रखता लेकिन एक बात तो सर 12 बजे जिस दिन अपने आप ही वहाँ पेश होना था तो 11 बजे 10 बजे उठा के केक मतलब मैं तो मैं नहीं थे यार इनका केक करनी है बात ये थे नहीं कह रही है जो है इनके पे जो है मैं देखो थाना मेरा है मैं चाहे बाहर हूँ चंदर हूँ मैं इसके लिए हर चीज के लिए जिम्मेवार ठीक है मेरे मैं फिर कहता हूँ
कानून हमें लैंड ऑर्डर भी देखना है, हमें लैंड ऑर्डर भी देखना है, हमें न्याय भी अगर देखो मैंने एक चीज चलो मैं चलो दो से चार पाग कोई बात नहीं अरे जंग मैं अरे बाहर पे बाहर हूँ अरे खड़े हूँ अरे खड़े हैं आप चलो मेरे को जिम्मेवार नहीं मान रहे आप आप मानो मेरी बात मेरी हम चलने लग रहे साथ में चलो आ जाओ ये यहाँ एक समझा रहे नहीं आ रहे हैं दोबारा कोई जरूरत नहीं है ये इतना भी दाओ नौकरी भी दाओ कोई बात नहीं इतना ही है नहीं है निजागा बेटा जी जान जान की भी परवाह नहीं अच्छी बात कर इतना ही है 2 मिनट लगा एक चलो चलो ना ना मानी अयो के दोनों बात नहीं करो सुनो अकेला नहीं जाऊंगा सुनो आम चरण लग रहे आपके साथ में जान करना दे दे जान करना चलो चलो कह रहे चलो क्या तो रहे हैं चलो आप भी गलत चल प्रॉपर चल आप रख कर जाना ठीक है ठीक है आधार कार्ड में एड्रेस भी मिल गया लेकिन अभी तक 25 दिन हो गए जी कोई कार्रवाई नहीं हुई तू कितना मैटर की कार्रवाई भी होगी भाई कोई नहीं हुई जी होगी होगी यार जी ये आज पेश किया जाएगा हाँ बिल्कुल पेश किया जाएगा किन धाराओं के तहत मामला दर्ज जो धाराएं प्रथम सूचना रिपोर्ट 55 में है ना उन धाराओं में पेश किया जाएगा क्या है सूचना में थोड़ा सा नहीं वो आपने सभी को पता ही आप लोगों के मीडिया के चैनल से माध्यम से सभी पूरे पानीपत को पता चल चुका है उसको कोई भी सर्च कर सकता है आप अपने मुंह से भाई 186 भी है 332 है 353 है 120 भी है उसमें काफी धाराएं सर ये मुकेश त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है भाई देखो वो जो आप पीसी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ जो करप्शन एक्ट है ना उसमें एक प्रॉपर प्रोविजन है ठीक है उस प्रोविजन को अगर जितनी भी विजिलेंस रेड करती है आज तक विजिलेंस ने किसी भी रेड में आप लोगों के माध्यम से पब्लिक में ये चीज नहीं कही होगी इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कर दें ठीक है आप सिर्फ एक हर चीज का एक प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत ही मुकदमे दर्ज होते हैं अगर आप और मैं अब यहीं खड़े खड़े एक दूसरे के और ऊपर आरोप लगा दें और मैं आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दूं और मैं आप मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दूं ये कोई औचित्य नहीं है हर चीज का एक तरीका है आप तरीके से चलें न्याय मिलेगा हिंदुस्तान में कानून का राज है आप निश्चिंत रहें उससे गिरफ्तारी कर ली है बिल्कुल गिरफ्तारी कर ली है माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और जो न्यायालय के आगामी आदेश होंगे वो आपको और मेरे को सबको पता चल जाएंगे गिरफ्तारी दी आप लोगों ने करी है नहीं हमने गिरफ्तारी करी उसने गिरफ्तारी का विरोध किया देखिए आप देख सकते हैं कि अंदर पहुंच चुके हैं सिंघम के फादर जो हैं और नवीन जैन मीडिया से बातचीत कर रहे हैं अमित शाह ने भी फूल देना चाहिए गृह मंत्री ने भी फूल देना चाहिए सम्मानित करना चाहिए सम्मानित है या तो 26 जनवरी ने सम्मानित होना चाहिए था और उसको इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है तो मैं तो पानीपत के लोगों को भी कहूंगा जिनकी वो सेवा कर रहा है और हम इसलिए आए हैं कि जो लोग इस तरह के हैं और माननीय न्यायालय को भी हम ये कहेंगे आपको ये देखना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर सिस्टम के खिलाफ भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है उसको ये सिस्टम ये सरकार कैसे परेशान कर रही अभी फिलहाल पिता तो के ले गए हैं अभी उनके साथ चार लोग भेजे गए हैं वो उनसे एक बार बात करेंगे और हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है और इसके जो भी पालनहार हैं वो हमारे गब्बर सिंह गड़बड़ सिंह गृह मंत्री हैं वो किस मुंह से कौन सा दरबार लगाएगा इसका मतलब उसके जो दरबार में जाएगा वो जेल में पाएगा फिर क्या मतलब हो जाए ये तो मेरे ख्याल में कोई भी इस तरह का नहीं है कि जिस तरह से उठा के लाया गया है सेक्शन 41A के तहत सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार का जजमेंट है जिसमें कि साफ लिखा है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा 7 साल से कम सजा ये मामले में तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी उल्लंघना हो रही है यहाँ पे जैसे जो हमसे बात हुई उन्होंने क्या बोला क्या जवाब अब वो कह रहे हैं जी हम तो न्यायपालिका का तो न्यायपालिका का तो सब सम्मान कर रहे हैं कौन ना करता लेकिन ये पानीपत के लोगों को भी देखना है कि भाई उसने कोई गलती इसी कोई गलती कर रहे हैं उसको ला रखी है कोई
छह सात धारा ला रखी, बताओ उसने क्या कर दिया। पुलिस के अनुसार सारा काम किया, लेकिन पिता के साथ जो मारपीट हुई सुबह। नहीं नहीं, आप देखिए उसका जो फादर है उसको रोड पे घेर दिया, बताओ है यार, मानवता होनी चाहिए इतनी तो, ये मानवता, इतनी तो इंसानियत होगी। छोरा ठाक ले गया है, और एक मिनट देखो मैं आपको ना ये बताऊ, इनने के है सेक्शन 186 सिर्फ 3 महीने की सजा है, सेक्शन 323 एक साल की, 332 तीन साल की, 353 दो साल की, 506 दो साल की, सेक्शन 120 भी ला रखा है, बता कौन सी साजिश की गिल कौन है, 120 भी का कौन सी साजिश दी यार इसने, तो उसने भी तो पकड़ ले। अरे जब पुलिस वाला की आपसी लड़ाई यार, इन आराम तो सुलझवा देते, अरे नहीं सुलझवा देते दोनों ने भीतर घेर दो, फिर एक ने क्यों, एक ने ऐसा क्या जुलम कर रखा है इसने, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत होया है, और माननीय न्यायालय भी इस चीज को देखा है, और इससे तो लोगों का हौसला टूट गया कि कोई अगर इस सिस्टम के खिलाफ लड़ता है तो उसको उठाकर जेल में गिर दिया जाता। हम तो इसलिए आए हैं, अब इसने मर्द का काम करा है, शहीद आजम भगत सिंह वो तो जा लिए, लेकिन ये आजकल के जो है ना ये इन्हीं को यही तो जन्म ले रहे हैं, और क्या है, मैं तो यही कहूंगा, और मैं तो लोगों को कहूंगा पानीपत वाला सुनो ध्यान से, और जितने और भी ये तो कल ना, और कोई सा पुलिस वाला ईमानदारी से सोचा काम करने की तो उसने भी घेर दे। मैं तो पुलिस वाला भी कहूँ भाई तुमने भी कम से कम इसकी सपोर्ट माना चाहिए, तुम उड़दी में हूँ नहीं आसते, तुम आना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब ने थोड़ी कहा सारे के सारे सो के सो चोर है, लेकिन आप सोच के देखो जब एक पुलिस वाला है मेरे तेरे जाने तो पकड़ गए, क्या करते होंगे भाई फिर, तो इसलिए ये पूरी तरह से गलत है। और गृह मंत्री जी को और अमित शाह जी आ रहे हैं 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, तो कि इसने मतलब वैलेंटाइन डे ना हड़ा आवे है, पुलिस ने सम्मानित करना आवे है, अरे एक पुलिस वाला जो ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लोगों की सेवाई कर रहा है, वो उसको ठाकरे जेल में गिर रहा है, तो हम तो जी इनके साथ है बिल्कुल, और सब लोगों को औरों को भी हम तो यही कहेंगे सब ने कहा, खासकर पानीपत के लोगों ने, नौजवानों ने कोई आवाज नहीं उठाओगा भाई अगर इसके साथ नहीं खड़े हुए तो, नहीं नहीं जेल वेल कोई टेंशन ना है, केस वेस कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पानीपत के लोगों को ये दिखाना चाहिए हाँ इसके साथ खड़े हैं भाई, हम तो यही करें। फादर को भी गलत सुनाया था, फादर का क्या लेना देना यार, ठाणगा फादर ठाकुर रोड पे गिर दिया, रोड पे जीटी रोड पे मतलब है, उसने कोई ट्रक दल जाता है फेरे, ये भाई जिम्मेदार होता है, ये भाई ने जीटी रोड पे भी कवरेज कर रखी है, तो इसलिए ये गलत है। और वो तो खुद कह रहा था मैं तो भाई अपने आप जागे अरेस्ट हूँ, क्या प्रॉब्लम थी उसमें बताओ, ईसा के तकाजा लग रहा था, उसने पकड़ लिया संदीप सिंह ने, उसने पकड़ लिया छोरी छेड़ने पकड़ लो ने, उस पर भी तो आरोप है यारे, उसने क्यों ना पकड़ते बताओ, ये तो ऐसा है जी, ये तो पुलिस कर्मी है, आम आदमी पर आगे नहीं आएगा पुलिस कर्मियों के खिलाफ भाई, ऐसा है, मैं इसीलिए यही बात कह रहा हूँ कि ये जो पूरा पूरा एपिसोड है इससे जो लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका हौसला टूटेगा, इसीलिए हम तो इसीलिए आए हैं, अक उनका हौसला ना टूटे, अक साथ खड़े हैं, और जो लोग जरूरी नहीं है भाई बोल पाएंगे ये जरूरी है, तो पत्रकारों ने इकट्ठा होना चाहिए सारा ना, सब पकड़ेंगे थे यार, ये तो सब ने जेल में गिरेंगे, डरो मन्ना ना केस से डरो ना जेल से डरो, ये सिर्फ डराना काम करें और कुछ नहीं है, जब डरोगे तो मरोगे भाई, और कोई डरने की जरूरत ना है यार, एक बात तो देश आजाद हो जिन लोगों ने उनने तो अपनी जान भी दे दी, अपने जेल में जाने में पता क्या प्रॉब्लम है, मैं तेन कहूँ सारे ने पत्रकार हो चाहे कोई भी आम इंसान हो सबको इसकी सपोर्ट करनी चाहिए, और बाकी सब पत्रकार के लिए पत्रकार के लिए भी खड़े हैं, केस वे साथ मत डरो मेरे भाई, मेरे भाई 20 केस कर रखे हैं, क्या फर्क पड़ा है बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, समर्थन में यहाँ बैठोगे मतलब समर्थन में है यार, हम तो है ईबीआई परिवार वाला ने भी बताओ, इससे आगे और क्या होगा, ये तो ये थाने में जो लिख रखे ना इसमें लिख रखा है, अगर उसके वकील घर तक इतला दो, उसके वकील को बुलाओ, वकील ने भी नहीं बढ़न दे रहे थे, क्या मतलब है यार, ऐसा कोई इसने क्या कर रखा है, इसने छोरी छेड़ते नहीं को मन लाग रहे, छोरी छेड़ा दो रहे थे, ये झंडे फरवावे हैं जी, दोरा झंडा फराना चाहिए, उसने जेल में गिरे हैं, बताओ क्या करें, यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है अकलमंद बनो सही चुनो, तो ये सही नहीं, सही क्यों नहीं चुने, यो इनने ना लग रहा क्या हुआ यार, केवरा कुंड लग गया होगा इनने थोड़ी लग रहा ऐसा है जी, नवीन भाई की अगुवाई में मैं कहना चाहता हूँ, करनाल से हूँ, कंधे पे बिठा के खट्टर को वोट मंगा रखी है, कंधे पे बिठा के खट्टर को वोट मंगा रखी है, अब की बेरी ना जो ये काम इसके साथ ऐसा गलत हो गया ना, तो वो सीएम तो बाद में बनेगा, एमएलए भी नहीं बनने देंगे, कंधे पे बिठा के वोट मंगा रखी है,
बस तो इसलिए भाई इसके साथ खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम तो साथ खड़े हैं। सेक्टर 13-17 से लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे थे। इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि सुबह से ही आशीष के फादर को मिलने नहीं दिया जा रहा था और अब जो है मुलाकात हुई है। नवीन जय हिंद मौके पर पहुंचे हैं रोहतक से, तब जाकर थोड़ा सा पुलिस ठंडी हुई है और उनके फादर को जो है मिलवाया गया है। इस मामले को लेकर आपको अभी अपडेट ये है कि थोड़ी देर बाद जो है आशीष को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसा कि दीपक एसएचओ बता रहे थे कि गिरफ्तार कर लिया गया है और थोड़ी देर बाद जो है कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद अगला जो है नेक्स्ट मामला जो है वो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल सवाल यही खड़ा है कि मुकेश त्यागी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और उसके खिलाफ कोई भी मामला जो है पानीपत पुलिस ने दर्ज नहीं किया। तो लाइव तस्वीर आपको दिखा दें एक बार फिर से, सेक्टर 13-17 के बाहर से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा हुजूम जो है इस समय सिंघम के समर्थन में यहाँ पर जुटा हुआ है और इस मामले को लेकर अभी अपडेट यही आ रही है कि थोड़ी देर बाद जो है सिंघम को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और अब जुड़े रहिए वाइस ऑफ पानीपत का पल पल के अपडेट के साथ, हम लोग दोबारा लाए होंगे।